अगर व्यक्ति को सफल होना है, सच्चा तैराक वही है जो नदी के बहाव की तरफ बहता चला जाए, तो निश्चित रूप से मानना कि वो लंबी दूर तक अपनी तैराकी को कर सकता है। जो नदी के बहाव के विपरीत चलेगा वो उस बहाव में तैर नहीं पाएगा, उल्टा बह जाएगा। बहते कौन है? मुर्दे। जिंदा व्यक्ति कभी बहता नहीं है। जब तक वो जिंदा है तब तक उसके हाथ पैर चल रहे हैं, और जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक वो बह नहीं सकता। बहता तो मुर्दा व्यक्ति है, और ऊपर रहता भी मुर्दा व्यक्ति है। पानी के ऊपर सतह पर कौन आ जाता है? मुर्दा। जिंदा व्यक्ति जहां जाना चाहता है वहां चला जाता है। सोचना हमें, विचार हमें करना है कि वास्तव में हम जिंदा हैं। किस तरफ हम जा रहे हैं? मुर्दे की तरह अपने जीवन को जीते चले जा रहे हैं। समय निकलता चला जा रहा है, पानी का बहाव तो चला जा रहा है, उसी बहाव में हम बहते चले जा रहे हैं। ना तो हाथ पैर चला रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। जब तक हाथ पैर नहीं चलाओगे तब तक वो पानी तो बाहर के ले जाएगा। ऐसी संसार की दशा है। संसार अनादिकाल से है। यदि तुम इन संसार से निकलना चाहो तो संसार का ऐसा कोई भी परमाणु नहीं है, कोई भी अणु नहीं है, कोई भी स्कंद नहीं है जो तुम्हें संसार में रोक सके। और तुम जब ना निकलना चाहो तो एक छोटा सा अणु भी तुम्हें संसार में मोहजाल में फंसा के रोक सकता है। ध्यान दो, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, और कर्तव्यों का पालन घर में रह के भी किया जा सकता है, बशर्ते उन कर्तव्य के प्रति आप सजग हो जाएं। जब तक उस कर्तव्य के प्रति सजग नहीं रहोगे तब तक घर में भी कीचड़ ही लगेगा, और उस कीचड़ में रमे रहोगे वही तुम्हें अच्छा लगेगा। महाराज जी ने उस दिन उस राजा की कहानी बताई थी कि जो जहां रहता है वही उसे वो समझता है कि यही सुख है। मान लो संसार में तुम रमे हुए हो, लेकिन संसार से बीज राख फल भोग में जो किसान जग माए त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाए। वज्रनाभि चक्रवर्ती की कथा को हम लोग बड़े ही हृदयस्थ भावों से सुन रहे हैं। वज्रनाभि चक्रवर्ती की वह जीवन धारा हम लोगों के लिए आदर्श बन गई। उनका संसार शरीर और भोगों से विरक्ति होकर वह संसार शरीर भोगों से विरक्ति उनके लिए तीर्थंकर पद का कारण हो गई। इससे बड़ा और क्या फल होगा उस वैराग्य का? महानुभाव वो वज्रनाभि चक्रवर्ती मनुष्य गति के दुखों का वर्णन कर रहे थे, चारों गतियों के दुखों का चिंतन कर रहे थे, संसार की उस अवस्था का भोग का, संसार की उस अवस्था का जिसको वे कई बार भोग चुके हैं उसका मनन कर रहे हैं। बोल रहे हैं कोई इष्ट वियोगी विलखे, कोई अनिष्ट सयोगी, कोई दीन दरिद्री दिल के, कोई तन के रोगी। कोई इष्ट के मिल जाने पर सुखी हो जाता है, कोई अनिष्ट के मिल जाने पर दुखी हो जाता है। जब जिसको हम अपना मान लेते हैं उसको देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जैसे सुशील जी के चेहरे पर संजय जी को देखकर मुस्कान आ गई। बड़े ही दिनों बाद भाई मिला, मुंबई से आया, खुश हो गए। और यदि कोई दुश्मन दिख जाए तो
तो वही चेहरा जो लाल खुशी से हो रहा था, वही गुस्से से तप तपा कर लाल हो जाता है। एक ही अवस्था दोनों में लालिमा छाई, लेकिन अंतर इतना है, एक के प्रेम से युक्त होकर लालिमा छा रही है तो एक के आक्रोश से युक्त होकर लालिमा छा रही है। हमारे जीवन में कभी हमें कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, यह हमारी मान्यता है, सबकी नहीं। एक वस्तु, एक व्यक्ति किसी के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन सबके लिए नहीं हो सकता, दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। और वही एक वस्तु जिसके लिए बुरी है, वो उसकी कितनी भी बुराइयां करे, लेकिन हो सकता है सामने वाला उसकी बुराई सुने नहीं, बोले नहीं ये तो मुझे बहुत प्रिय है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। चीनी कैसी होती है? अच्छी। तुम खाते हो इसलिए, उससे पूछो जिसके शुगर है, जिसके डायबिटीज है वो शुगर चख नहीं सकता, चीनी खा नहीं सकता, उसके लिए वही चीनी जहर है। और जिसके लिए शुगर डाउन हो जाती है या जिसको निरोगी अवस्था है, उसके लिए वह चीनी स्वाद अमृत है। एक ही वस्तु के प्रति हमारा राग और दूसरे का उसके प्रति द्वेष हो जाता है। देश आपका भी है, देश दूसरों का भी है, लेकिन जब हम इस देश में रहते हैं तो इसके प्रति हमारा लगाव हो गया, भारत हमको जहां से भी प्यारा है, और दूसरे का, वह देश दूसरे का है उसके लिए वह भी तो प्यारा है, लेकिन ना जाने क्या हो जाता है उस सरहद पर एक दूसरे के प्रति रंजिश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो चीज तुम्हें पसंद है वही चीज उसे पसंद है, फिर झगड़ा।